हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक की स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनटीपीसी 2019 का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको 30 दिन में 90 वीडियो मिलने वाली हैं। इन 90 वीडियो में मैं आपको रीजनिंग, मैथ और जीके का पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो बस आपको वीडियोज़ के टाइमिंग नोट कर लेने हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। दोस्तों, आज गणित की वीडियो में हम देखने वाले प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ तथा हानि के वो सभी प्रश्न जो कि रेलवे और एनटीपीसी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेगा, वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। तो प्लीज़ एक लाइक तो जरूर करिए और अपने सभी ग्रुप में अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। मान लीजिए आपने एक पेन खरीदा 10 रुपये का, ठीक है, और आपने इसे 10 रुपये के पेन को 12 रुपये में बेच दिया, तो ये कंडीशन क्या है, ये प्रॉफिट की कंडीशन है। अब जब 10 रुपये की चीज़ को 12 में बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। और मान लीजिए आप इस पेन को 8 रुपये में बेच देते, तो ये वाली कंडीशन थी लॉस की, यानी कि आपने 10 रुपये की चीज़ को 8 रुपये में बेच दिया। देखिए, ये तो बेसिक चीज़ है, बट आप एक चीज़ को समझिए, कॉस्ट प्राइस तो आपका एक ही है ना, बट सेलिंग प्राइस 2 हो चुके हैं। प्रॉफिट की कंडीशन में अलग है और लॉस की कंडीशन में अलग है। जब आपका प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट की कंडीशन में कॉस्ट प्राइस छोटा होगा सेलिंग प्राइस से, ठीक है, बट यहाँ पे लॉस की कंडीशन में बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस, ठीक है। बस इतनी सी बात आप जान लीजिए, बाकी की चीज़ें मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा, आपको सब कुछ समझ में भी आएगा। एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोला जा रहा है, महेश एक खिलौना 25 रुपये में खरीद कर 30 रुपये में बेच देता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप मुझे ये बताइए, एक खिलौना आप 25 रुपये में खरीद कर 30 रुपये में बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 5 का, ठीक है, आपने यहाँ पे 5 लिख लिया। उसके बाद आप ये देखिए कि आपने 25 रुपये के खिलौने को 30 में बेच दिया तो नीचे कौन सी वैल्यू आएगी। अब नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइज आती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइज ही रखेंगे। जितने में आप उस चीज़ को खरीद के लाते हैं वही नीचे रखा जाना है परसेंटेज निकालते टाइम, चाहे आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं और चाहे आप लॉस परसेंटेज निकाल रहे हैं। और जब भी कोई फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में बदलना होता है तो उसमें 100 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसमें 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, अब इसको सोल्व करेंगे, 2500 का 100, तो 5 × 20, यहाँ पे आपका 20% का प्रॉफिट आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं नहीं कहता कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, बट इससे आपको थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर हुई होंगी प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की। अभी धीरे धीरे अपना लेवल को इंक्रीज करते हुए चलते हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और जितने भी आंसर देते हैं स्टूडेंट अपना नाम भी जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं सभी के कमेंट रीड करता हूं। यहां पे आपका विकास 4 रुपये के 5 केले खरीदता है। देखिए, 4 रुपये में 5 केले खरीदता है और 5 रुपये में 4 केले बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है ना, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा बस वैसे करना है। एक साइड में लिखिए रुपीस और एक साइड में लिखिए क्वांटिटी, ठीक है, एक साइड में रुपीस, एक साइड में क्वांटिटी। यहाँ पे रुपीस क्या है, 4 रुपये के उसने 5 केले खरीदे, तो 4 के उसने 5 केले खरीदे, ये आपने लिख लिया। फिर दूसरे में उसने 5 रुपये के 4 केले बेच दिए, तो रुपीज वाली साइड में 5 लिखेंगे और फिर यहाँ पर लिख लेंगे 4। अगर दोस्तों इतना काम आपको करना आ गया तो अब क्वेश्चन को भूल जाइए, बाकी की चीज़ें मैं आपको इससे ही करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने लिखा था अभी ऊपर, भाई रुपीज वाली साइड एक साइड और क्वांटिटी वाली साइड एक साइड मैंने लिख ली। तो यहाँ पे 4 के उसने 5 केले खरीदे थे और 5 के 4 बेच दिए। अब आपको क्या करना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 4 की 4 में कर दीजिए और 5 की 5 में कर दीजिए, तो ये साइड आएगी 25 और ये साइड आएगी 16। तो दोस्तों यहाँ से आपकी ट्रिक स्टार्ट होती है, अगर आपकी रुपीज वाली साइड बड़ी आई है, देखिए रुपीज वाली साइड बड़ी आई है, इसका मतलब आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है। अगर क्वांटिटी वाली साइड बड़ी होती तो आपका लॉस होता, अगर क्वांटिटी वाली साइड बड़ी होती तो लॉस होता। अभी रुपीज वाली साइड बड़ी है तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, कितना प्रॉफिट आया, 9 रुपये का, क्योंकि ये वाली साइड बड़ी है तो 9 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया। दोस्तों अगर 9 का प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब प्रॉफिट किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस आपकी हमेशा छोटी होती है, एक तो यही कंडीशन है। फिर दूसरी बात ये भी हो सकती है, भाई आपको कन्फ्यूजन हो जाए कि अब इन दोनों में से कौन सी कॉस्ट प्राइस है। दोस्तों हमेशा याद रखना, प्रॉफिट की कंडीशन में कॉस्ट प्राइस छोटी ही होती है, तो नीचे आप छोटी वाली वैल्यू को रख लेंगे इन दोनों में से, तो 9/16 × 100 से कर देंगे तो 56.25% आपका राइट आंसर आ जाएगा।
मैं आशा करता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने क्या किया, 4 रुपये के 5 केले खरीदे और 5 के 4 बेच दिए, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई की, एक साइड में 25 आया, एक साइड में 16। फिर मैंने बोला कि जो रुपीज़ वाली साइड बड़ी आती है तो प्रॉफिट होता है, क्वांटिटी वाली साइड बड़ी आती है तो लॉस होता है। तो यहाँ पे आपकी रुपीज़ वाली साइड बड़ी है तो ये कितनी बड़ी है, 9 से, तो 9 का आपका प्रॉफिट हुआ है, तो 9 आप रखेंगे। अब इन दोनों में से कौन सा आपका कॉस्ट प्राइस है, मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहले यही चीज़ बताई थी कि जब भी आपका प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपका 16 है तो यहाँ पे 16 रखेंगे और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो 56.25% आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। जब विजय 12 पेन बेचता है तो उसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए जब विजय 12 पेन बेचता है यानी कि 12 पेन को सेल करता है तो उसको 2 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हो जाता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालनी है। दोस्तों सबसे पहले आप एक चीज़ समझिए, 12 पेन बेचता है यानी कि 12 पेन जब वो बेचेगा सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 12 पेन की है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पेन का उसको क्या हो गया, सेलिंग प्राइस के 2 पेन के बराबर उसको प्रॉफिट हो गया। अगर मैं सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर दूँ तो मेरा क्या बचेगा, कॉस्ट प्राइस। देखिए जब आपका प्रॉफिट होता है, जब भी मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि 10 रुपये की चीज़ को आपने 12 में बेच दिया तो यहाँ पे 2 का प्रॉफिट हो गया। अब आपको यहाँ पे बता दिया कि 2 पेन का प्रॉफिट हो गया, अगर मैं इस 12 में से 2 माइनस कर दूँ तो मेरा 10 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको ऐसे ही करना है कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 12 पेन बेचने पर 2 पेन का प्रॉफिट हो रहा है तो 12 में से 2 माइनस करिए तो आपका जो कॉस्ट प्राइस बचेगा दोस्तों कितना बचेगा, वो 10 बचेगा, ठीक है। यानी कि आपका 10 पेन जो है आपके कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे, देखिए आपको पता है 2 पेन का तो प्रॉफिट हो ही रहा है तो 2 पेन अपॉन में 10 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालने कितने कितना परसेंट लाभ हुआ है, तो इसको हम 0 से 0 कट करेंगे, 20% का आपका लाभ आ जाएगा। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ पाए होंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि 2 पेन का आपको प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, जब भी सेलिंग प्राइस के इक्वल आपको प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे जो पेन है आपके 12 इनमें से 2 माइनस कर दीजिए तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है, और वो 10 पेन आ जाएंगे। अब प्रॉफिट आपका 2 पेन का तो 2 बटे आपका नीचे क्रय प्राइस है तो 10 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो आपका सिंपली ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। रंजन एक पेन ड्राइव 910 रुपये में 30% लाभ पर बेचता है तथा दूसरी 180 रुपये में 10% हानि पर बेचता है, उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत है। क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए, अगर राइट आंसर आ पाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा और लास्ट में मैं कुछ आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा, ठीक है। आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेके आऊँ तो उनको भी सोल्व करके देखिएगा भाई, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे सबसे पहले समझिए कि रंजन जो है वो एक पेन ड्राइव 910 रुपये में 30% के लाभ पर बेचता है, इसका मतलब जो 910 रुपये है आप खुद समझ सकते हैं कि इसमें 30% का लाभ इंक्लूड है। जब भी हमें लाभ होता है तो 100 से उतना ही ऊपर जाते हैं जितना लाभ, यानी कि 30% ऊपर गए हम, तो ये 910 रुपये है ना, ये आपका 130% के इक्वल वैल्यू है दोस्तों, 130% के इक्वल। समझिएगा कि क्योंकि इसमें हमें 30% का लाभ इंक्लूड है तो आपका जो रंजन जो पेन ड्राइव लेके आया है उस 910 रुपये में, उसमें 30% लाभ पर बेचता है। जब रंजन 910 रुपये में बेचता है तो उसमें 30% का लाभ इंक्लूड होता है, और फिर दूसरी वाली जो 180 रुपये में बेचता है उस पर 10% की हानि होती है, यानी कि 180 रुपये हैं ये आपके 90% की वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि इसमें 10% की हानि हो चुकी है। तो इस तरीके से हम सबसे पहले दोनों को 100% की वैल्यू बनाएंगे, क्योंकि 910 रुपये आपकी 130% की वैल्यू है, तो इसमें 100% की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 910 को 130 से भाग करेंगे और 100 से गुणा कर देंगे तो ये 700 आ जाएगा दोस्तों। यानी कि जो ये पहले वाली पेन ड्राइव है ये इसकी 100% की वैल्यू कितनी है, 700 रुपये है, और जिससे ऊपर ये बेच रहा है उसमें इसका 30% का प्रॉफिट इंक्लूड है। अब 700 रुपये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। वैसे आपका जो 180 रुपये में आप पेन ड्राइव बेच रहे हैं तो वो 90% पे बिक रही है, क्योंकि इसमें 10% का लॉस हो रहा है, तो इसको भी 100% की बना लेंगे तो क्या करेंगे, 180 को डिवाइड करेंगे 90 से और गुणा कर देंगे 100 से, तो 200 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 200 है। तो दोनों पेन ड्राइव को अगर मैं मिला के बात करता हूँ तो दोनों पेन ड्राइव कितनी की होगी, 900 रुपये की, 700, 800, 900। अब दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है दोस्तों 900 रुपये है, बट दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है भाई, एक पेन ड्राइव को तो बेच रहा हूँ मैं
एक 910 रुपये में और एक को 110 रुपये में, तो दोनों को मिलाऊंगा तो 1090 आ गया। और इनका कॉस्ट प्राइस कितना है? 900 रुपये। तो 900 रुपये की चीज़ को मैं 1090 में बेच रहा हूँ, तो इसका मतलब 190 रुपये ज़्यादा में बेच रहा हूँ। तो यहाँ से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं कि 190 बटे 900, क्योंकि 900 तो हमारी कॉस्ट प्राइस है ना, तो 190 बटे 900 गुणा कर देंगे 100 से, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सोल्व करके इसको 21.11%। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए सिंपल है कि आपका जो 910 रुपये में जब रंजन एक पेन ड्राइव को बेचता है तो उसमें 30% का लाभ इंक्लूड होता है, तो इसका मतलब 910 रुपये 130% की वैल्यू होगी। और जब 180 रुपये में बेचता है तो उसमें 10% की हानि होती है, इसका मतलब ये 180 रुपये 90% की वैल्यू होगी। अगर आपको 130% की वैल्यू पता है और 90% की वैल्यू पता है, उसको आप 100% की वैल्यू में बदल लेंगे। और 100% की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? आपकी कॉस्ट प्राइस होती है, क्योंकि उसमें ना ही आपका प्रॉफिट होता है और ना ही आपका लॉस होता है। जो 100% की वैल्यू होती है उसमें ना आपका प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। अगर प्रॉफिट होता है तो 100% से उतना ही ऊपर चले जाते हैं, अगर लॉस होता है तो 100% से उतना ही नीचे आ जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको यह भी जरूर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी भी हो सकता है और ये ज़्यादा डिफिकल्ट है भी नहीं, बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखे एनटीपीसी के, ये क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो, थोड़ी बहुत इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी जाती थी या फिर डिजिट चेंज कर दी जाती थी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन कम से कम भी 10 बार पूछा गया था, ठीक है, बस हर बार डिजिट चेंज होती थी। और 2016 में तो ये हर एक शिफ्ट में आया, कम से कम भी 6-7 शिफ्ट में क्वेश्चन आया। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर होता है, लाभ प्रतिशत बताइए। दोस्तों यहाँ पे 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस और 80 रुपये के यानी 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। 120 रुपये का जो क्रय मूल्य यानी कि CP है वो बराबर है आपका 80 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। तो इससे हमें क्या पता चलता है, यानी कि जितने रुपए की आपकी 120 वस्तु है ना, उतने तो मैं केवल 80 वस्तु को बेचकर ही कमा लेता हूँ, ठीक है भाई। मान लीजिए आपकी जितने की भी होंगी 120 वस्तुएं आपकी जितने रुपए की भी होंगी, उतने पैसे में 80 वस्तुओं को बेचकर कमा लेता हूँ, तो जो बाकी की वस्तुएं बची हैं, बाकी की कितनी बची है 40, उन 40 वस्तुओं का मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। समझे आप इस चीज़ को? तो यहाँ पे आपको बताना है लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पे देखिए कैसे किया है मैंने इस क्वेश्चन को, मैंने लिख दिया कि 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि जितने की वस्तु मेरी, मैंने 120 वस्तुएं खरीदी होंगी, हाँ ये आप समझिए कि जितने की मैंने 120 वस्तुएं खरीदी होंगी, उतने पैसे में 80 वस्तुओं को बेचकर ही कमा ले रहा हूँ। इसका मतलब मेरी 40 वस्तुएं बच गई और वो मेरा प्रॉफिट है, समझ गए। तो यहाँ पे आप देखिए 40 बटे में 80 रखेंगे। अब यहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन सा हमारा प्रॉफिट, कौन सा हमारा सेलिंग प्राइस होगा और कौन सा हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। तो ऑब्वियसली बात है 80 हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि प्रॉफिट की कंडीशन में कॉस्ट प्राइस छोटा होता है। तो यहाँ पे आपका 80 नीचे आ जाएगा और गुणा कर देंगे 100 में, 40 से जाएगा 2 बार, 2 से कर देंगे तो 50% का प्रॉफिट होगा दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और सिंपल भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए दोस्तों अगर अभी तक आपने टेस्ट सीरीज परचेज करके लगाना स्टार्ट नहीं किया है तो NTPC और ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके प्राइस 149 रुपीज़ है, बट अगर आप इस डिस्काउंट कोड का यूज करते हैं सौरभ SPL का, तो केवल 119 रुपये में ये टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है। तो टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और 119 रुपये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो 119 रुपये आप लगा के 30 टेस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें 30 टेस्ट हैं और वो हिंदी इंग्लिश दोनों में, उनके सभी के सॉल्यूशन भी अवेलेबल हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए और हो सके तो ट्राई भी करिएगा और आंसर जो भी आता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। यहाँ पे बोला गया रितेश एक पेन 20% लाभ पर 36 रुपये में बेचता है, यानी कि जब मैं इसको पेन को 36 रुपये में बेचता हूँ या फिर रितेश 36 रुपये में बेचता है तो उसमें 20% का लाभ होता है। तो इसमें से भाई 20% का लाभ मैं माइनस करूँगा तो 100% की वैल्यू मेरे को बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे? जब मुझे पता है 36 रुपये में मेरा 20% का लाभ इंक्लूड है तो 36 रुपये कितने हो गए? 120% की वैल्यू हो गई और मेरे को बनानी है 100% की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर फिर क्या बोला जाए, यदि वह इसे 33 रुपये में बेचता है तो लाभ हानि प्रतिशत क्या होता? तो देख बहुत ही सिंपली हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे भाई, 36 बटे आपका क्या हो जाएगा 120 और गुणा करेंगे 100 से,
तो यहाँ से हम 100% की 100 से गुणा, क्योंकि हमने क्योंकि 36 जो है 120% की वैल्यू हमें 100% की बनाना है। तो यहाँ से देखिए जीरो से जीरो कट जाएगा, 12 या 36 यानी कि 30 रुपये आपकी आ जाएगी कोस्ट प्राइस। अब कोस्ट प्राइस आपको 30 रुपये मिल गई, बोला जा रहा है यदि वह इस 33 रुपये में बेचता तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अगर 30 रुपये की चीज़ को 33 में बेचेंगे कितना प्रॉफिट होगा, 3/30 कर लेंगे यानी कि 3 का प्रॉफिट होगा क्योंकि 30 तो हमारी कोस्ट प्राइस आ गई। तो यहाँ पे जब 30 कोस्ट प्राइस है आपकी, ठीक है, और उसे 33 रुपये में हम बेचेंगे तो 3 का प्रॉफिट हो रहा है 3/30 गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ से जीरो ये कट जाएगा आपका एक बार, तो यहाँ पे 10% का आपका लाभ आ जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, इसी तरीके से आप सारे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्राई करिएगा इसको भी। एक व्यापार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित मूल्य करता है, फिर अंकित करता है, यदि वह 5% की छूट देता है तो अंतिम प्राप्त लाभ का प्रतिशत कितना होगा। देखिए अंकित मूल्य क्या होता है, MRP होती है यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस आपका होता है MRP, ठीक है। तो यहाँ पे एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से, जितना भी उसका क्रय मूल्य है, जितने में उसने खरीदा, उससे 20% ज़्यादा अंकित मूल्य करता है, और यदि वह उसे 5% की छूट देता है यानी कि 5% का डिस्काउंट देता है तो अंतिम प्राप्त लाभ का प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों आपने एक ट्रिक सुनी होगी और बहुत ही या इफेक्टिव परसेंटेज की ट्रिक है, जब भी हमें 2% दिखती है और हमें फाइनल रिजल्ट पूछे जाते हैं कि उन दोनों परसेंटेज को एक मिला के क्या मिलेगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस भी हो सकती है, वो लॉस लॉस भी हो सकती है, और वो प्रॉफिट प्रॉफिट भी हो सकती है, तब हमें क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। ये इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला जरूर आपको याद आना चाहिए जहाँ पे भी 2% को 1% बनाने की बात की जाती है। यहाँ पे भी देखिए बात वही बोली जा रही है कि एक बार तो उसको क्या होता है, क्रय मूल्य पे 20% अंकित ज़्यादा करता है यानी कि वो प्रॉफिट हो गया उसके लिए, और 5% की छूट देता है यानी कि उसके लिए लॉस हो रहा है। तो अब इन दोनों परसेंटेज का कंक्लूजन मिला के आपको अंतिम प्राप्त लाभ क्या होगा, तो ये आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन इस PDF में दे दिए, ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 20-5 प्लस 20×5 आप करेंगे और अपॉन में 100। अब देखिए यहाँ पे प्लस था बट मैंने माइनस लगा लिया, माइनस जब लगाएंगे जब आप डिस्काउंट देंगे या लॉस होगा आपको तब माइनस ही लगाना है, ठीक है, और जब आपका प्रॉफिट होगा या फिर आप इंक्रीज करके वैल्यू को रखते हैं तो तब आपका प्लस रखना है। तो 20 आपने परसेंट बढ़ाया था और 5 का आपने डिस्काउंट दिया तो -5 प्लस 20 और मल्टीप्लाई -5, तो यहाँ पे 20 में से 5 माइनस करेंगे दोस्तों 15 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 से जाएगा 5 बार और 5 से 5 जाएगा एक बार यानी कि -1, तो 15 में से एक माइनस कर देंगे दोस्तों यानी कि 14% का यानी कि 14% का आपका लाभ आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ओवरऑल आपका 14% का लाभ हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 भी एक अच्छा क्वेश्चन है और इसको भी आप ट्राई करके देखिएगा, जिस तरीके से मैं कराऊंगा आपको बहुत ही आसान लगेगा। इसमें बोला जा रहा है अंकित कीमत पर 40% छूट देने पर, यानी कि MRP पर 40% छूट देने पर एक जैकेट 20% लाभ पर 600 रुपये में बिका। अब मुझे ये बताइए जब 600 रुपये में मैंने इसको बेच दिया तो इसमें मैंने इससे पहले 40% की छूट दी थी, तो इस जैकेट को जब ये 600 रुपये में बिक चुकी है तो एक साइड तो ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है, और एक साइड मेरे लिए ये कितने परसेंट की वैल्यू है, ये एक साइड मेरे लिए 60% की वैल्यू है और एक साइड मेरे लिए आपकी 120% की वैल्यू है। अब ये कंडीशन आपको समझनी पड़ेगी थोड़ा सा दिमाग लगा के। जब मैं अंकित मूल्य यानी कि कुछ मेरी MRP होगी, मैं उस पर 40% की छूट देने के बाद में 600 रुपये में किसी चीज़ को बेचता हूँ तो 600 रुपये मेरे लिए कितने परसेंट की वैल्यू बच गई, मेरे लिए बचती जब मैं इसको 40% की छूट दे दूंगा तो 60% की वैल्यू, ठीक है। बट MRP निकालने के लिए ये कंडीशन है भाई, MRP कितनी थी हम ये कैसे निकालेंगे, क्योंकि मेरे लिए 600 रुपये 60% की वैल्यू है तो MRP कितनी रही होगी, क्योंकि इसमें मैंने 40% की छूट दी है तो हम इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि MRP भी हमारी 100% होती है। तो यहाँ जीरो से जीरो कट जाएगी, 6×6 यानी कि कितनी आ गई 1000 रुपये, MRP इस की 1000 रुपये थी। अब 1000 रुपये तो इसकी MRP थी, फिर अगर मैं इसकी कॉस्ट प्राइस की बात करूं कि इसकी कॉस्ट कितनी थी, इसकी लागत कितनी थी, तो आप दोस्तों एक बात बताइए, जब आप इसको 600 रुपये में बेचते हैं तो आपको इसमें 20% का लाभ होता है, जब 20% का लाभ होता है इसका मतलब ये 120% की वैल्यू हो गई, और यहाँ पर गुणा कर देंगे 100 से,
जीरो से जीरो कटे करेंगे, 12 पंजे 60 हो जाएगा, यानी कि 50 यहाँ पे कितना आ गया 500। तो इसकी कॉस्ट प्राइस 500 थी, बट इसकी एमआरपी कितनी थी 1000, समझ रहे हैं ना, एमआरपी कितनी थी 1000 और कॉस्ट प्राइस इसकी 500। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यदि यह अंकित कीमत पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए अगर इसको अंकित कीमत पर बेचा जाता है, समझिएगा, अगर इसको मैं एमआरपी पर ही बेच दूँ तो कितना लाभ होगा, तो एमआरपी तो भाई मेरी 1000 है और जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वो 500 रुपये, तो कितना डिफरेंस है 500 का, यानी कि मेरे को कुल मिला के 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो 500 बटे, ध्यान से सुनिएगा, 500 आपको प्रॉफिट हो रहा है, और किस पे हो रहा है आपको 500 प्रॉफिट, 500 पे हो रहा है क्योंकि उसकी 500 कॉस्ट प्राइस है, तो 500 का प्रॉफिट 500 पे ही होगा, और गुना 100 से कर देंगे तो यहाँ पे कट जाएगा, यानी कि 100% का प्रॉफिट होगा अगर मैं इसी वस्तु को एमआरपी पर बेच देता हूँ। समझे आप इस क्वेश्चन को, मैं एक बार दोबारा से यहाँ पे समझा देता हूँ। भाई जब आप इस वस्तु को 600 रुपये में बेचते हैं तो आपको 20% का प्रॉफिट होता है, इसका मतलब ये, जब 20% का प्रॉफिट होता है इसका मतलब ये है कि 120% की वैल्यू है अकॉर्डिंग टू दिस सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग ये 120% की वैल्यू है। तो इसको 100% की बनाने के लिए 500 रुपये आ जाएगा, क्योंकि 600 को डिवाइड करेंगे 120 से, गुणा कर देंगे 100 से। फिर दूसरी बार जब मैंने इसको, देखिए यहाँ पे दोबारा से जाते हैं क्वेश्चन पे ही, जब मैंने इस 600 रुपये में बेचा था वस्तु को तो मैंने इस पे 40% की छूट दी थी, तो एमआरपी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू कितने की बच गई, जब इस पे 40% की छूट दे दी तो अकॉर्डिंग टू दी एमआरपी ये आपका 60% की वैल्यू बच गई। तो 600 को आप 60 से भाग करेंगे, 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 1000 आ गया, यानी कि इस वस्तु की एमआरपी तो है 1000 रुपये, कॉस्ट प्राइस आपकी 500 रुपये, और आपसे पूछा जा रहा है अगर मैं इसको एमआरपी पर ही बेच दूं तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। तो आप देखिए एमआरपी से आपका कॉस्ट प्राइस कितना ज़्यादा है, 500, तो आप 500 को बटे कॉस्ट प्राइस, तो हमारा चाहे हम प्रॉफिट निकाले चाहे लॉस, तो नीचे कॉस्ट प्राइस जाना है, तो 500 बटे 500 गुणा कर देंगे 100 से, तो 100% का प्रॉफिट हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो मेरे को बता देना, मैं इस क्वेश्चन को बाद में भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, रमेश एक फोन 5% की हानि पर बेचता है, यदि उसने इसे 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता, 25% का लाभ कमाने के लिए उसे इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को दोबारा से समझते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है रमेश ने एक फ़ोन को 5% हानि पर बेचा, यानी कि जब मैं इसको 5% हानि पर बेचता हूँ और 5, तो ये कितने परसेंट की वैल्यू होगी, 95 की, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है यदि उसने इसे 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता, अगर मैं उस फ़ोन को जितने में बेचा था उससे 200 रुपये बढ़ा के बेच दूं, तो मेरे को सीधा सीधा 15% का लाभ होता है। 15% का लाभ का मतलब दोस्तों कितना होता है, यानी कि 115% पर मैंने उसको बेच दिया, ठीक है भाई, तभी तो मेरे को 15% लाभ होगा। तो यहाँ पे है कि 25% का लाभ कमाने के लिए उसे इसके मूल्य पर कितना बेचना चाहिए उस मोबाइल को। तो आप मुझे बताइए 200 रुपये बढ़ाने पर मेरा 95% की वैल्यू 115% बन गई, तो कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, टोटल 20% का इंक्रीमेंट हुआ। इसका मतलब ये 200 रुपये जो आए हैं ये 20% का इंक्रीमेंट की वजह से आए हैं। तो यहाँ पे आपका, यानी कि 200 रुपये को बढ़ाने से 20% का इंक्रीमेंट होता है, तो 20% की वैल्यू आपको कितनी होगी, 200 होगी, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। 15% का लाभ कमा 25% का लाभ कमाने के लिए कितने में इस वस्तु को बेचना है। तो यहाँ पे आपको सिंपली देखिए क्या करना है भाई, ये तो आपको समझ में आ गया ना, 5% हानि प्लस 15% लाभ, ये आपका 20% इंक्रीमेंट हो गया। भाई जब मैं किसी चीज़ का प्राइस, यानी कि उस मोबाइल का प्राइस 200 रुपये बढ़ाता हूँ, तो जो मेरे को 5% हानि हो रही थी ना, लॉस हो रहा था, वो भी आपका बढ़ता है, और फिर मेरे को 15% का प्रॉफिट भी होता है। इसका मतलब टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ, 20% का, तो 20% की वैल्यू क्या होगी, 200 रुपये हो गई। आपको निकालना है 25% प्रॉफिट कमाने के लिए उस मोबाइल को कितने में बेचा जाए, तो 200 को आप 20 से भाग करेंगे और 25 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 25% का प्रॉफिट निकालना है। 0 से 0, 2 से जाएगा 10 बार, और 10 की मल्टीपल 125 में करेंगे तो 1250 आ जाएगा, यानी कि उस वस्तु को या फिर उस मोबाइल को 1250 रुपये में बेचेंगे तो आपको 25% का लाभ होगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन भी जरूर समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सिंपल है। अभी एक क्वेश्चन मैंने इसी टाइप का आपको कराया था, दोबारा से करा रहा हूँ, एक बार ट्राई कर लीजिए खुद भी, आंसर आप दे सकते हैं। इसमें है कि एक व्यापारी उसके सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और 8% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पे आपको सिंपली वही फॉर्मूला यूज करना है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। ठीक है, इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे आपका 25 प्लस हो जाएगा और 8 का आपको डिस्काउंट देना पड़ रहा है तो माइनस 8 लिख लेंगे। प्लस 25 गुणा माइनस 8 अपॉन में 100, तो यहाँ पे देखिए 25 चौका 100, 4 दूनी 8, तो माइनस का 2 हो गया और यहाँ पे 25 में से 8 जाएंगे दोस्तों, कितना बच जाएगा आपका 17, और 17 में से 2 जाएगा तो कुल मिला के आपका 15% का लाभ आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करिएगा, और मैं इस क्वेश्चन को मिक्सचर एलिगेशन मेथड से सोल्व कराने वाला हूँ। इसमें बोला जा रहा है 400 रुपये प्रति किलो वाला किलो लागत वाली दार्जिलिंग चाय को 300 रुपये प्रति किलो लागत वाली असम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण को 408 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। देखिए 400 रुपये प्रति किलोग्राम वाली दार्जिलिंग जो चाय है 400 रुपये प्रति किलोग्राम वाली, और जो असम वाली चाय है वो 300 रुपये प्रति किलोग्राम वाली है। ठीक है, अब बोला जा रहा किस अनुपात में मिलाया जाए इन दोनों को कि जब 408 रुपये में बेचा जाए तो उसमें 20% का लाब हो। दोस्तों इस क्वेश्चन को मुझे लगता है 90% स्टूडेंट सोल्व कर सकते हैं, बट एक जो 10% बचे वो कहीं ना कहीं एक गलती करेंगे, वो गलती आपको नहीं करनी है। यहाँ पे जो आपके 408 रुपये लिखे हैं इसमें 20% का प्रॉफिट इंक्लूड है, आपको प्रॉफिट हटाना है सबसे पहले। ठीक है, तो प्रॉफिट हटाएंगे तो कैसे करेंगे, 408/120, यानी कि 408 रुपये में आपका 20% का प्रॉफिट इंक्लूड है तो 120% की वैल्यू हो जाएगी। तो 408 को 120 से भाग करेंगे, 100 से गुणा, यानी कि ये जो दोनों को मिलाने के बाद में बेचा जाता है उसका कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, 340। ठीक है, तो जो दार्जिलिंग वाली चाय है दोस्तों ये 400 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय है, असम वाली चाय 300 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय, और जब मैं इन दोनों को मिला देता हूँ तो दोनों को मिलाने के बाद में जो कॉस्ट प्राइस आता है वो 340 आता है, यानी कि ये 340 का है, इसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है, और 408 रुपये प्रति किलोग्राम में प्रॉफिट इंक्लूड था। तो जब भी आप मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो कभी भी जो बीच में आपकी दोनों का मिश्रण वैल्यू रखी जाती है उसमें कभी भी प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ याद रखिए, अगर प्रॉफिट इंक्लूड है तो उसको 100% की वैल्यू बना करके तब उसको यहाँ पे रखना है। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे 60 आएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे 40 आएगा। अब पूछा दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, दोस्तों 40 और 60 है, 0 से 0 कट जाएगी, 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो 2:3 के अनुपात में मिलाया जाएगा तो आपका 40% का प्रॉफिट बन जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आगे से इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक दुकानदार 19 रुपये प्रति किलो की दर से चीनी बेचता है और उसे 5% हानि होती है, 10% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपये प्रति किलो की दर से उसे चीनी बेचनी चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। देखिए 19 रुपये प्रति किलोग्राम पे जब बेचता है तो 5% की हानि होती है, यानी कि जो आपके 19 रुपये हैं ये आपके कितने परसेंट की वैल्यू होगी, जब 5% की आपको हानि होगी तो 95% की वैल्यू होगी। ठीक है, और आपको क्या कमाना है, 10% का लाभ कमाना है, तो जब भी आप 10% का लाभ कमाएंगे दोस्तों तो आपको 110% में बेचनी पड़ेगी, तो इसका मतलब 95% की वैल्यू अगर 19 है तो 110% की वैल्यू कितनी होगी, बस आप इतना निकाल लीजिए। तो 19 को आपको डिवाइड करना है 95 से और गुणा कर देना है 100 से, 19 पंजे आपको हो जाएगा 95 और 5 से आपका ये चला जाएगा कितनी बार, 22 बार, तो 22 रुपये प्रति किलोग्राम से आप अगर बेचते हैं तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 10% प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है सारे क्वेश्चन, और सारे ही एग्जाम में पूछे गए, ये 12 के 12 क्वेश्चन एग्जाम में आए भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, फिर मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, उनके आंसर आपको जरूर बताने हैं। इसमें है कि एक दुकानदार 1000 रुपये अंकित मूल्य वाला एक पेन ड्राइव क्रमिक रुपये के क्रमश 10% और 15% की छूट के बाद खरीदता है, यदि वह 35 रुपये पैक करवाने में खर्च करता है और 1000 रुपये में उसे बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए अगर वो 10% और 15% की छूट पर खरीदता है तो आप क्या करेंगे, 10 और 15 का एक मतलब एक परसेंटेज बना लेंगे, अफेक्टिव परसेंटेज का यूज करते हुए, तो 10 प्लस 15
प्लस 10 × 15, ठीक है, और अपॉन में 100, इस तरीके से आप कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 15 कितना हो जाएगा आपका 35, ठीक है। और यहाँ पे आपका 5 × 10 और 5 × 10 ये आपका हो जाएगा, और 5 × 20 और 5 × 5 = 25, 2 × 2 = 4, ठीक है। इस तरीके से आप पूरा सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे आ जाएगा ये पूरा का पूरा 23.5%, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 20 तो यहाँ पे देखिए 23.5% आपका आ गया, यानी कि इतना आपको डिस्काउंट मिला है। तो इसमें से इतना डिस्काउंट माइनस कर लीजिए कितना, 235, तो 1000 में से 235 माइनस करेंगे 765 रुपये आ जाएगा, यानी कि 765 क्या है, कोस्ट प्राइस। अब इसमें आप 765 वाली वस्तु को आप 35 रुपये में पैक भी करा रहे हैं, तो 35 रुपये में अगर पैक आप करा रहे हैं तो ये भी तो आपका खर्चा हुआ ना, तो 765 प्लस 35 आपका हो जाएगा 800। तो यहाँ पे दोस्तों 800 जो है आपका ये हो गई लागत। अब लागत इतने वाली लागत वाली वैल्यू को आपने क्या आप कितने में बेच दिया, 1000 रुपये में से बेच देता है, तो इसका लाभ प्रतिशत बताइए। जब 800 रुपये की चीज़ को आप 1000 रुपये में बेच देंगे दोस्तों, टोटल 200 रुपये का प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट हो चाहे लॉस किस पे निकाला जाता है, कोस्ट प्राइस पे, तो कोस्ट इसकी 800 है, तो 800 में डिवाइड करेंगे और 100 से गुणा कर देंगे तो ये आपका चला जाएगा, तो यहाँ पे आपका 25% हो जाएगा, तो 25% का प्रॉफिट आपका आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 14 और 15 क्वेश्चन आप करके बताएंगे, तो 14 का आंसर बताइए फटाफट वीडियो को पॉज करके कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा, और देखिए अपना नाम भी जरूर लिख दिया करें।